नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में एक बार पुनः हम लोग आ पहुंचे चंबल क्षेत्र में। यहां का जनपद भिंड भिंडी ऋषि के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद जब 1948 में मध्य भारत का गठन हुआ तो उसमें बनाए गए 16 जिलों में भिंड एक था। इसके बाद 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश बनाया तो यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। चंबल और सिंध नदी के किनारे बसा जनपद भिंड कई मायनों में काफ़ी फेमस है। यहाँ प्राकृतिक रूप से कई सुंदर स्थान तो है ही, साथ ही कई ऐतिहासिक स्थल आज भी अपनी गौरव गाथा सुना रहे हैं। हमारे देश में कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनसे कई चौंकाने वाली चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है ककनमठ, जिसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग इसे भूतों का मंदिर भी मानते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिंघोनिया कस्बे में स्थित इस मंदिर को आप करीब 5 किलोमीटर की दूरी से देख सकते हैं। यह मंदिर जमीन से लगभग 115 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। मंदिर थोड़ा खंडहर की अवस्था में है और मंदिर में घुसते ही जमीन पर मंदिर के टूटे हुए अवशेष नजर आने लगते हैं। ये प्राचीन मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, जो काफी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर में जाने के लिए आपको थोड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, इसके बाद ही शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में जाने से पहले दोनों तरफ कई खंभे दिख जाएंगे। यहाँ हर कोई सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आता है। 1000 साल पुराने इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिख जाएंगी, लेकिन कई टूटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को युद्ध के लिए आए कई शासकों ने तोड़ दिया था। आपको बता दें, मंदिर के कई अवशेष ग्वालियर के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। अच्छी बात तो ये है कि ऐसी अवस्था में मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि रानी ककनावती महादेव की बड़ी भक्त थी, जिस वजह से इस मंदिर का नाम रानी के नाम पर रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ स्थित कई छोटे बड़े मंदिर नष्ट हो चुके हैं। इस मंदिर से एक दिलचस्प बात भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में भूतों ने एक साथ मिलकर किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और निर्माण को फिर बीच में ही छोड़ना पड़ा, इसलिए इस मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को आप देखेंगे तो आपको ये देखने में अधूरा ही लगेगा, बावजूद इसके कई शताब्दियों से यूं ही खड़ा है और अपने अनूठे शिल्प से सैलानियों को लुभा रहा है। दंदरुआ धाम, जिसे दर्द हरुआ के नाम से जाना जाता था, जो स्थानीय भाषा में कालांतर में दंदरुआ हो गया, यानी यहाँ पर उपस्थित भगवान हनुमान लोगों का दर्द हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, अगर भगवान के दरबार में लगातार 5 बार आता है तो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करीब 70 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे भिंड जिले के दंदरुआ सरकार धाम में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु डॉक्टर हनुमान के पास अच्छी सेहत की उम्मीद लेकर जुटते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 300 से 400 वर्ष पूर्व हनुमान जी की यह मूर्ति नीम के पेड़ से छिपी थी, जिसे काटने पर गोपी वेशधारी हनुमान जी की यह प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। तभी से मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की गई। यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है वो नृत्य मुद्रा में है। यह देश की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। श्रद्धालुओं का दर्द दूर करने वाले हनुमान जी को पहले दर्द हरुआ कहा जाने लगा, जो कि अपभ्रंश होकर दंदरुआ हो गया। तो ये इसलिए ये सखी वेश धारण जो है, सखी वेश की यहाँ विशेषता है दंदरुआ सरकार में। इनका नाम है दर्द हरुआ। दर्द हरुआ नाम है दर्द व्याकरण के आधार से दामन दया दामन दान, हनुमान जी दयालु और दानी, और अउआ ये ददरुआ जो शब्द है, ये अउआ का अर्थ है ये बुलाने के अर्थ में, ये बुलाने के लिए भाषा है, ये बुदेलखंडी भाषा है, प्रेम की भाषा है।
तो बुला बुला के हनुमान जी तयादान बांट रहे। डॉक्टर हनुमान के नाम से ख्याति लब्ध गोपी वेशधारी श्री हनुमान जी की प्रस्तर मूर्ति यहाँ लोगों के दर्द हरण के लिए जानी जाती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपने शारीरिक व मानसिक व्याधियों से निजात पाने के लिए आते हैं और श्री हनुमान जी की सूक्ष्म किंतु दिव्य कृपा से रोग मुक्त हो जाते हैं। यहाँ धनरेगुड़ा धाम में हनुमान जी बड़ी कृपा है। इनकी विशेष रूप से दो विशेषताएं हैं। धनरेगुड़ा हनुमान जी आद्य वैद्य हैं। यहाँ देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार स्थायी रूप निवास करते हैं। कई महापुरुष दर्शन होते हैं। हमारे मस्तरा महाराज बड़े महापुरुष थे, उनको यहाँ अश्विनी कुमार दर्शन हुए। यहाँ कोई भी रोग हो सभी रोग इससे दरगाह सरकार है। यह धाम ब्रह्मलीन गुरु बाबा श्री श्री 108 बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज के शिष्य ब्रह्मलीन महंत बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज की साधना स्थली है और वर्तमान में उनके शिष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज की महंती में है। सनातन धर्म संस्कृति में मंत्र विज्ञान का महत्व पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वात व्याधि से मुक्ति के लिए श्री हनुमान बाहु की रचना की थी और वे वात व्याधि से मुक्त हो गए थे। श्री दंद्रउआ हनुमान जी का ये मंत्र ओम श्री दंद्रउआ हनुमंते नमः भी व्याधियों के निवारण में संजीवनी के समान है। ऐसे डॉक्टर हनुमान जातकों की पीड़ा का सदैव हरण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बजरंगबली की कृपा से यहाँ कैंसर, टीवी, एड्स आदि लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं। बजरंगबली की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि इस मंदिर के हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर पहुँचे थे। यहाँ मंदिर परिसर में एक गौशाला का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ एक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना की गई है जिसमें सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही वैदिक पूजा पद्धति में पारंगत होते हैं। दंद्रउआ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने रोग कष्टों से मुक्ति के लिए आते हैं, साथ ही जीवन में स्वस्थ होने की कामना के साथ धन धान्य प्राप्त करते हैं। सखी वेश में बजरंगी विनती सबकी सुनते, सखी वेश में बजरंगी विनती सबकी सुनते, कैसे भी हों बिगड़े जिनके काम सभी के बनते, काम सभी के बनते, देखो शनिवार मंगल को मेला भारी लागे, बड़ो भारी लागे, मुझे दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे, हनुमान जी की झांकी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मुझे दंदरुआ की शोभा न्यारी न्यारी लागे। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित असुई शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव नितिन शर्मा। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित छैकुरी शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव नारायण सिंह पवैया। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित देह गांव नंबर 2 शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव राजकुमार यादव। सेवा सहकारी समिति मर्यादित देंगवा शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव इंद्रपाल सिंह गुर्जर।
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जितरवई शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव सत्यभान सिंह गुर्जर। ग्वालियर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर तथा भिंड से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोहद का किला। यहाँ पहुँचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 92 से गोहद चौराहा से होकर सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। गोहद चौराहा से किला लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ऐतिहासिक स्थल राज्य के पर्यटन आकर्षणों में से एक है। इस किले का निर्माण राणा राजा महासिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में गोहद दुर्ग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ समय पहले तक इसके अंदर स्थित एक महल की इमारत में अनेक सरकारी कार्यालय थे। इन्हें अब स्थानांतरित कर दिया गया है। इस महल में की गई शानदार नक्काशियां आकर्षक हैं। यहाँ का कचहरी महल ईरानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किला दो भागों में बना है। एक है पुराना किला व इसी किले के सामने दूसरा नया महल है। पुराने किले से नए महल में प्रवेश के लिए पत्थर एवं ईंटों का मार्ग बनाया हुआ है। किला एक स्थानीय बेसली नदी के किनारे ऊंचे टीले पर स्थित है। यह राजपूत और जाट स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस किले के निर्माण में ईंट पत्थर मिट्टी और चूने का उपयोग हुआ है। किले का निर्माण 1739 ईस्वी में जाट राजा भीम सिंह ने करवाया था। किले की दीवारों पर श्वेत पत्थर चूना गुड़ उड़द बजरी कौड़ी सनबीजा गोंद आदि से बना श्वेत एवं भूरा प्लास्टर किया गया है। इस प्लास्टर में अनेक कलाकृतियां जैसे मछली भेड़ कुत्ते तोता हिरण वृक्ष ईरानी शैली की नक्काशी दिखाई देती है। यह आज भी ठीक स्थिति में है। पुराने किले में रानी महल राजा महल दीवाने आम दीवाने खास पूजा घर नृत्य घर और अखाड़ा स्नानागार कुआं आदि वर्तमान में क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इनके बीच में अखाड़ा है और उनके बीच में एक गोल स्थान है जहां पहलवान लोग कुश्ती किया करते थे। कालांतर में नया महल बना जिसका निर्माण जाट राजा छत्रपति सिंह द्वारा कराया गया था। वर्तमान में पुराना किला एवं नया महल मध्य प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। किले को अपनी अनूठी निर्माण शैली वास्तु के लिए 2017 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व के 6 देशों की धरोहरों को चिन्हित किया है जिसमें गोहद के किले को सम्मानजनक स्थिति मिली है। भिंड जिला ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भिंड में गोहद का किला अटेर का किला मल्लार राव होलकर की छतरी आलमपुर भिंड का किला ये अपने आप में अतीत की गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाते हैं। गढ़ी पढ़ावली मध्य प्रदेश के सबसे दिलचस्प पुरातात्विक स्थलों में से एक है। मुरैना जिले में स्थित यह स्थान ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर है। गढ़ी पढ़ावली परिसर अतीत के खंडहरों से भरा पड़ा है। यह मंदिर संभवतः 10वीं शताब्दी में कच्छप घाट शासकों द्वारा बनवाया गया था और यह भगवान शिव को समर्पित है। मध्य प्रदेश का गढ़ी पढ़ावली मंदिर अब आंशिक रूप से ही जीवित है, फिर भी यह 12वीं शताब्दी से पहले के भारत के सबसे प्रचुर और खूबसूरती से नक्काशीदार हिंदू मंदिर मंडपों में से एक है। 18वीं शताब्दी से पहले यह स्थल क्षतिग्रस्त हो गया था। 18वीं सदी में पूर्वी राजस्थान के जाट शासकों ने इस स्मारक की सुरक्षा के लिए एक छोटा भारी किला बनवाया था। कभी पढ़ावली एक प्राचीन शहर था लेकिन अब एक छोटा सा गाँव है। पढ़ावली के पास 15 से अधिक शिलालेख पाए गए हैं जो 14वीं शताब्दी से पहले के हैं। इनमें से पढ़ावली के महत्व का सबसे पहला उल्लेख 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख में मिलता है। गढ़ी पढ़ावली मंदिर का मुख पश्चिम की ओर था। जमीनी साक्ष्य से पता चलता है कि इसमें एक बार एक मुखमंडप एक अर्थमंडप एक महामंडप और एक गर्भगृह शामिल था। महामंडप को बाद में दीवार से घेर दिया गया और शीर्ष पर एक गुंबद के साथ एक संरचना में परिवर्तित कर दिया गया। मूल महामंडप को प्रकट करने के लिए 1920 के दशक के अंत में
ग्वालियर रियासत द्वारा दीवारों और गुंबद को हटा दिया गया। पूरा मंदिर एक चबूतरे पर खड़ा था। बचे हुए महामंडप में 16 स्तंभ, एक ऊंचा चबूतरा और एक वेदिका है। यह दो तरफ से खुला है। महामंडप अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और स्तंभों, छतों, वास्तुशिल्पों और लगभग हर सतह की नक्काशी के लिए उल्लेखनीय है। इनमें से कुछ लघु चित्र हैं, फिर भी असाधारण विवरण के साथ। मंडप 10वीं सदी के हिंदू धर्म की सभी प्रमुख और कुछ छोटी परंपराओं, शैववाद, वैष्णववाद, शक्तिवाद, सौरवाद और कुछ गूढ़ तंत्र परंपराओं का जश्न मनाता है। समुद्र मंथन जैसी वैदिक किंवदंतियां पैनल में शामिल हैं। हालांकि खजुराहो के विपरीत कामुक नक्काशी यहाँ के मंदिरों के अंदर है। कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय पैनल सप्तमातृका, नटेश नटराज, शैव किंवदंतियों जैसे अंधकासुरवध, कृष्ण किंवदंतियों, विष्णु दशावतार, सूर्य, नवग्रह, चामुंडी, रामायण और महाभारत के हैं। गढ़ी पढ़ावली मंदिर का गर्भगृह और शिखर 13वीं सदी के बाद नष्ट कर दिया गया और कलाकृति से जुड़ी संरचनाएं इतिहास में विलुप्त हो गईं। इसके अलावा कुछ अन्य हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। उनके अस्तित्व का प्रमाण इस स्थल और गांव के पास खोजी गई कई टूटी और विकृत कलाकृतियों में मिलता है। गढ़ी पढ़ावली मंदिर स्थल से बरामद कुछ टूटी हुई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अब ग्वालियर संग्रहालय में हैं। गढ़ी पढ़ावली मंदिर एक राष्ट्रीय स्मारक है जो ASI द्वारा संरक्षित और प्रतिबंधित है। गढ़ी पढ़ावली निसंदेह भारत के सबसे जटिल नक्काशीदार मंदिरों में से एक है। विस्तृत मूर्तियों के बिना शायद ही कोई इंच बचा हो। प्रत्येक स्तंभ और छत को अलंकृत नक्काशी से सजाया गया है। इस स्थान की दीवारों पर मूर्तिकला विवरण की समृद्धि को देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कारवास शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव प्रताप नारायण शर्मा। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मघन शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव मान सिंह चौहान। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, BEd, BSc, BA, BCom, ITI, एडमिशन ओपन, गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। ग्राम पंचायत बरबाई जनपद पंचायत पूरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपील, ग्राम पंचायत के सभी कर समय पर अदा कर पंचायत के विकास में योगदान दें। सरपंच राम नरेश शर्मा, सचिव ऑफिसर सिंह, सहायक सचिव सतेंद्र शर्मा। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जमदारा शाखा मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाई समिति की सेवाओं का लाभ लें और सहयोग करें। सचिव नेत्राम यादव। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हां दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पैतृक गाँव मुरैना जनपद में। यह वही मिट्टी है जिसमें अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के पिता और उनका परिवार कभी खेला करता था। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, अमर शहीदों को याद किया जा रहा है। आज हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं यह है मुरैना का बरवाई गांव, जहां पर उनके वंशज रहते हैं। पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाना कुछ सालों की बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई दशकों की मेहनत और बलिदानियों का खून बहा था। इन्हीं में से एक बहादुर रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। 11 जून 1897 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ तो फिर मध्य प्रदेश से उनका क्या नाता? तो हम आपको बताते हैं, बिस्मिल का पैतृक गांव परवई मुरैना जिले का हिस्सा है। उनके दादाजी नारायण लाल ने यहीं बीहड़ों में अपना जीवन यापन किया। परवई के बारे में खास बात यह है कि यह चंबल की घाटियों में है, जहां से कई बागी प्रवृत्ति के व्यक्ति निकले जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। यहां हम आपको बता दें कि आज भी बिस्मिल के कुछ वंशज इस गांव में रहकर बमुश्किल अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहां पर गांव में उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। यहां पंचायत द्वारा इसका विकास करते हुए नए सिरे से ऊंची बाउंड्री वॉल बनाकर यहां पर एक पार्क विकसित किया जा रहा है। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं शीघ्र ही मुहैया कराने का प्रस्ताव है। प्रेजेंट में शहीद स्मारक की जो बाउंड्री वॉल है उसका निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद इसमें पूरा इसका रोड बनाई जाएगी इस पर, उसके बाद इसमें पूरे में वृक्षारोपण किया जाएगा। बिस्मिल स्मारक में जो हमारे बरवाई पंचायत में बना है, चूंकि वहाँ के प्रधान और गांव के लोगों की अपेक्षाएं थी कि वहाँ जो बिस्मिल पार्क है उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो, तो अभी सांसद निधि से और जनपद निधि से वहाँ बाउंड्री वॉल का कार्य प्रगति रहता है। बिस्मिल देश के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने खुद की लिखी पुस्तकों को बेचकर उसके पैसों का उपयोग क्रांतिकारी कार्यों में किया। उसका प्रभाव यह हुआ कि अंग्रेजों ने उनकी सारी पुस्तकें जब्त कर ली थी। आज रामप्रसाद बिस्मिल की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने जीवन काल में 11 पुस्तकें प्रकाशित करवाई थी। इतना ही नहीं, बिस्मिल का एकमात्र मंदिर भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ही बना है। रामप्रसाद बिस्मिल को पंडित क्यों कहा जाता है, ये बड़ी भ्रांतियां लोग वाग्विवाद करते हैं। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि यस्यांतम करणम नित्यम गीताया रमते सदा सर्वाग्नि सदा जापी क्रियावान सच पंडिता, जिसका अंतकरण शुद्ध है। तो बिस्मिल जी का अंतकरण एकदम ज्योति शुद्ध था, किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। वो हमेशा जो है गीता का पाठ करते थे, गुरु के बताए मंत्र का जाप करते थे, अग्नि में हवन करते थे और जो है बड़े क्रियावान थे, इसलिए उनके नाम के आगे पंडित जो है शब्द लगाया गया। 19 दिसंबर 1927 को मात्र 30 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी पर लटका दिया था। वे मैनपुरा षड्यंत्र से लेकर काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल रहे। फांसी के तख्त पर चढ़कर भी वह अंग्रेजों को चुनौती दे रहे थे। तख्त पर खड़े होकर बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाया और इस शेर को अमर कर दिया। दोस्तों, भिंड से आज का सफर बस यहीं तक। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9899999599, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर, एक नए सफर पर। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।